दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों का घनत्व है। यह रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पिछले कई वर्षों से अपने नाम कर रखा है। इस रिकॉर्ड में कान्हा नेशनल पार्क की अहम जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में कान्हा नेशनल पार्क की भैसान घाट पीठ पर एक टाइगर मृत मिला है और उसकी हालत और उसकी अवस्था यह बता रही है कि यह बाघ कम से कम 10 से 15 दिन पहले ही मर चुका है। इसकी हड्डियां, इसकी खाल और इसकी गली गला हुआ छत विछत सब यह बता रहा है कि हमारे कान्हा मैनेजमेंट में और प्रबंधन में गश्ती के क्या हालात हैं। यद्यपि कान्हा पार्क के प्रबंधन को ही यह खबर मिली कि एक बाघ मरा हुआ है, लेकिन इसके हालात अत्यंत दयनीय हैं। कल ये कान्हा नेशनल पार्क के भैसानघाट रेंज के अंदर गश्ती के दौरान कल सुबह एक बाघ का शव मिला। एक तो उसकी जांच करने FD सर, मैं और AD हालोन और रेंज ऑफिसर भैसानघाट और जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, हम सब लोग गए थे फील्ड स्टाफ के साथ में। जो प्राइमरी हमने जांच वहां पे की, जो भी जो हमको कार्कस मिला था वो लगभग 8 दिन के आसपास पुराना था और उसमें जो उसकी हड्डियाँ थी वो अलग से थी और कुछ उसमें स्कैवेंजर्स जो थे वो जो जानवर थे उसने भी कुछ फीडिंग कर लिया था, तो काफ़ी शत-फिशत हालत में हमको वो मिला था। तो हमने जो जांच करी उसके बाद जांच के उपरांत जो भी NTCA की गाइडलाइंस है उसके अनुसार उसका डिस्पोजल किया। मध्य प्रदेश में कून्हो नेशनल पार्क में चीता आए हैं, उनके क्या हालात हैं? तो बाघ जो है एक दुर्लभ वन्य प्राणी है, यदि इसकी सुरक्षा और संवर्धन में कहीं कोई चूक रहती है तो वह वास्तव में अपूर्णीय क्षति भी है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा बना रहे ये हमारी भी कामना है, लेकिन उसके लिए प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त होना ही पड़ेगा। आश्चर्य यह भी तो है कि जंगल में आखिर क्या हो रहा है, कैसे बाघ मरा, उसका PM कैसे हो रहा है, उसका पंचनामा कैसे हो रहा है, यह केवल फॉरेस्ट के लोग ही बता सकते हैं। पब्लिक का कोई आदमी तो वहाँ रहता भी नहीं है, तो यह कहा जा सकता है जंगल में मोर नाचा किसने देखा। धन्यवाद। जय हिंद।